अमेजिंग मॉम्स, वेलकम टू आवर चैनल हर बीन्स। और आज हम आपके बच्चों के लिए एक स्पेशल पंजीरी रेसिपी लेकर आए हैं। ये रेसिपी बहुत ही हेल्दी प्लस टेस्टी है और इसे बनाना बहुत ही आसान है। तो पंजीरी बनाने के लिए आपके पास होने चाहिए कुछ जरूरी इंग्रेडिएंट्स, जैसे कि 1 कप व्हीट फ्लोर, 1 कप घी, 1 कप पाउडर्ड शुगर, 1/2 कप कटे हुए बादाम, 1/2 कप कटे हुए काजू, 1/2 कप कटे हुए पिस्ता, 1/4 कप कटे हुए अखरोट, 1/4 कप किशमिश, 1/4 कप वाटरमेलन सीड्स, 1/4 कप सूखा ग्रेटेड नारियल, 1 टेबलस्पून खसखस, 1 टेबलस्पून सौंफ, 1/2 टेबलस्पून इलायची पाउडर। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स रेडी हो चुके हैं। तो चलिए अब आपको बताते हैं कैसे बनाते हैं हेल्दी और टेस्टी पंजीरी रेसिपी फॉर किड्स। बट बिफोर वी स्टार्ट विद द रेसिपी, मेक श्योर टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन और नोटिफिकेशन बेल दबाया कि नहीं, ताकि आप हॉबी एंजल की कोई भी वीडियो मिस ना करें, जहां हम आपके बच्चों के लिए लाते हैं हेल्दी और टेस्टी रेसिपी। तो अपनी डायरी और पेन उठा लीजिए और चलिए शुरू करते हैं विद द रेसिपी। एक तवे या पैन में गेहूं का आटा डालें और मीडियम से धीमी आंच पर इसे भूनें। लगातार हिलाते हुए इसे भूनिए जब तक कि वो ब्राउन ना हो जाए और मीठी खुशबू आने लगे। इसे पूरे प्रोसेस में लगभग 15 से 20 मिनट लगेंगे, जब तक मैं आपको इसके फायदे बता देती हूँ। पंजीरी में गेहूं का आटा, ड्राई फ्रूट्स और घी यूज होता है, जो न्यूट्रिएंट्स से भरपूर होता है। ये न्यूट्रिएंट्स जरूरी विटामिंस, मिनरल्स, हेल्दी फैट्स और डाइट्री फाइबर देते हैं, जो बच्चों की कंप्लीट ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। यू कैन सी कि हमारा आटा हल्का ब्राउन हो चुका है। अब गैस बंद कर दें और भुना हुआ आटा साइड में रख दें। अब उसी तवे में घी गरम करें जब तक वो लिक्विड ना हो जाए। उसमें सभी ड्राई फ्रूट्स को हल्का भून लें। द स्मेल ऑफ रोस्टेड ड्राई फ्रूट्स इज अमेजिंग। हमने पंजीरी के हेल्थ बेनिफिट्स और उसके हिस्ट्री की तो बात कर ली, बट अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा पंजीरी होल्ड्स अ स्पेशल प्लेस ड्यू टू इट्स न्यूट्रिशनल एंड थेरेप्यूटिक प्रॉपर्टीज। इसलिए पंजीरी को रसायन भी कहा गया है, which refers to rejuvenating and nourishing substance which promotes overall health and well-being. Panjiri तीनों दोषों वात, पित्त और कफ को अफेक्ट करता है, hence making it suitable for all body types. और जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ, ये फूड एक वार्मिंग फूड है जो बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है और डाइजेशन में भी हेल्प करता है। इस पंजीरी के बेनिफिट्स बच्चों के लिए तो बहुत सारे हैं, लेकिन मदर्स हेल्थ इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये न्यू मदर्स के लिए भी बहुत फायदेमंद माना जाता है, क्योंकि ये न्यूट्रिएंट्स से भरपूर होता है। ये उनकी पोस्ट डिलीवरी रिकवरी में भी हेल्प करता है। हमारे सारे ड्राई फ्रूट्स भुन चुके हैं। अब एक बड़ा बोल लीजिए, उसमें भुना हुआ आटा, पाउडर चीनी, कटे हुए बादाम, काजू, पिस्ता, किशमिश और सूखा ग्रेटेड नारियल, खसखस, सौंफ, इलायची पाउडर को अच्छे से मिलाएं। हमारी पंजीरी तैयार है। अब आप इसे एक एयरटाइट डब्बे में स्टोर करके महीनों तक यूज कर सकते हैं। थोड़ी सी पंजीरी डेली बच्चों को खिलाएं और देखिए उनकी हेल्थ और एनर्जी में क्या इम्प्रूवमेंट होती है। याद रहे, आप इस रेसिपी को अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कस्टमाइज भी कर सकते हैं। आप इसमें से कोई भी ड्राई फ्रूट्स या सीड्स को ऐड या रिमूव कर सकते हैं एज पर योर टेस्ट। इस मजेदार और न्यूट्रिशियस नॉर्थ इंडियन रेसिपी को अपने बच्चों के साथ एंजॉय करें। सो मॉमीज, आज हमने आपको बताया कि आप अपने बच्चों के लिए पंजीरी कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। एक टेस्टी और हेल्दी स्नैक है आपके बच्चों के लिए। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, और मिलते हैं अगली वीडियो में। 100 ग्राम्स ऑफ दिस पंजीरी कंटेन्स 454 किलो कैलोरीज, 8 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, 56 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड 22 ग्राम्स ऑफ फैट।